तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले से क्वेश्चन को देखो। ये बेसिकली जो है, ये वाला जो प्लेलिस्ट है वो यूनिट 1, 2, 3 का रिवाइज टेस्ट है, तो उसके सारे क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वो तीनों जो है प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना, तुम्हें बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा हूँ। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर, अगर मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर दिया हुआ है ½ LA और I की पावर B, वेयर L इज द इंडक्टेंस है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस है, और I जो है करंट है। तो AB की हमें वैल्यू निकालना है। तो देखो, करंट का तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का डायमेंशन रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो करंट का तो एम्पियर हमें पता है, मैग्नेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी AB पता है, लेकिन L जो है सेल्फ इंडक्टेंस का, वो बच्चों को नहीं पता होता है या किसी को भी, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो, L को निकालने के लिए आप मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पड़े हुए, फाई की वैल्यू क्या होती है, LI होती है, ठीक है। तो L की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई I, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है BA cos θ और डिवाइडेड बाई I। तो यहाँ से cos θ डाइमेंशनल लेस है, तो ये बचा BI, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या दिक्कत है कि हमें बी का भी नहीं पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होता है BIL sin θ। अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो आई होप कि ये फोर्स पड़े होगे आप, BIL sin θ। तो यहाँ से तुम देखो sin θ डायमेंशन लेस है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी F/IL, ठीक ना। अब फोर्स का होता है MLT-2, और यहाँ से देखोगे करंट को मैं करंट ही रहने देता हूँ, और लेंथ का होता है L। तो ये सारी चीज़, ये अगर उसमें इस वाले ऊपर वाले फार्मूले में रखोगे तो मुझे L का दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करूँ तो L का जो मुझे दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड MLT-2, और यहाँ से करंट का I आ जाएगा, करंट का I और मैग्नेटिक L, और यहाँ से एक I पहले से पड़ा हुआ था, और एरिया का एल का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखो कि एक एल इसको ख़त्म कर दिया, तो जो हमारा आया वो आ जाएगा MLT^-2 और करंट का -2, ठीक ना। तो ये वो जो यहाँ से करंट का अगर रखोगे तो एम्पियर, तो MLT^-2 एम्पियर का -2, तो ये वाली जो चीज़ है वो L आ गई, सेल्फ इंडक्टेंस का हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ गया यहाँ से। अब इसी को हमें एनर्जी का हमें पहले से पता है, एनर्जी का हम पहले से रट लिए हैं और सबको याद होना चाहिए। एनर्जी का होता है MLT-2, हाफ को मैं छोड़ देता हूँ, ये डायमेंशनल लेस है, वो 1 हो गया। और यहाँ से देखोगे इसका आया ML^-2, T^-2 और A^-2, और यहाँ से करंट एम्पियर इन सब का पावर चढ़ा हुआ है A, और करंट का A एम्पियर हुआ A, और इस पे पावर चढ़ा है B। अब सबको A और B को यहाँ से एक पास करते हैं, M और L^-2A और T^-2A और A^-2A+B आ जाएगा। अब दोनों साइड डायमेंशन कंपेयर कर दो MLT-2, तो अगर M का इधर कंपेयर करोगे, देखो दोनों साइड अगर डायमेंशन कंपेयर करोगे तो यहाँ से डायमेंशन के L^2 यहाँ 2 आएगा, ना कि -2 आएगा, L^2 यहाँ 2 आएगा, +2 आएगा। तो L का कंपेयर कर, इधर L का 1 है, इधर L का 2A है, तो 2A = 1 आ गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एनर्जी का ML^2T^2 होता है, तो यह आ जाएगा 2A, मतलब A की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ML^2 इसका होता है। अब इसका कंपेयर करोगे A का तो B निकलेगा, 2A+B, इधर है पावर A का, इधर A की पावर है ही नहीं, है नहीं इधर, तो 0 है, तो यह आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि B आ जाएगा वो 2A के बराबर है, और A की वैल्यू 1 है, तो B की वैल्यू भी यहाँ से 2 आ गई। जैसे ही 1 रखोगे तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2, मतलब ये आ जाएगा अपना B ऑप्शन बच्चों मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।